आप आयुष्मान की बात कर रहे हैं, मैंने आपको रियलिटी बताई। 5 लाख का 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख बनता है। एक ब्लड का टेस्ट करा दीजिए आप पंचायत के अंदर का जो सदर रऊफ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। सिलेंडर से ऑक्सीजन जी, जिसका परिणाम हुआ कईयों ने अपने ब्रेन में ट्यूमर लिया, कईयों ने नाक में प्रॉब्लम, कईयों का जबड़ा। सदन के बाहर भी आपकी राजनीति चलती है और सदन के अंदर भी राजनीति ही कर रहे होते हैं आप लोग। ये हम लोगों के जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मुझे गर्व है दिल्ली के एम्स में, सफदरजंग में आपके जितने अस्पताल कांग्रेस ने बनाए थे उसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ये फैक्ट है। अभी हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे एक बिल लेकर आए, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक जो 2021 से पेंडिंग है। मुझे बहुत अफसोस हुआ, भाषण अभिभाषण बजट सब में तो होता ही है, सदन के बाहर भी आपकी राजनीति चलती है और सदन के अंदर भी राजनीति ही कर रहे होते हैं आप लोग। भाई साहब, यहाँ तो पब्लिक देख नहीं रही है, शायद सुन रही होगी। सभापति जी, ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसमें जिस तरह आत्मरक्षा का संवैधानिक अधिकार होता है, जीवन रक्षा का संवैधानिक अधिकार होता है, निश्चित तौर से बीमारियों से आत्मरक्षा का भी संवैधानिक अधिकार इस देश में होना चाहिए, जो नहीं है। हमने अपने लोगों को 140 करोड़ जनता में, मेरे ख्याल 1 या 1.5% लोग ही होंगे जो पूरी विलासिता के साथ इलाज करा पाते होंगे, अन्यथा मिडिल क्लास से भी ऊपर का जो अपर मिडिल क्लास भी है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, बीपीएल एपीएल की तो बात हम छोड़ दें, जब उसको कोई बड़ी बीमारी होती है तो एक बार वो भी कांप जाता है कि पूरी जिंदगी की जो कमाई है, शायद कैंसर, किडनी, हेपेटाइटिस बी, अभी रेयर डिजीज तो बाद में आएगी, मलेरिया, कालाजार, इवन टीवी, हार्ट अटैक, हार्ट का ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, इससे ही हम लोग ऊपर नहीं आ पाए हैं। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, रेयर डिजीज की बात कर रहे थे, मैं रेयर डिजीज से फिर नीचे आऊंगी, क्योंकि हम लोग वहां से आते हैं जहां पे, और उसके लिए यहां पे बात करना चाहते हैं जो करोड़ों लोग हैं जिनको आपके जिला के सदर अस्पताल पे निर्भर रहना पड़ता है, आपके आयुष्मान पे निर्भर रहना पड़ता है, आपके स्वास्थ्य बीमा पे निर्भर रहना पड़ता है। आपने 5 लाख दिए, फोटो खिंचाई, बड़े खुश हुए, राकेश जी ने तो ऐसे कह दिया जैसे पूरी गंगा पार कर लिए इन्होंने, कहते हैं ना कि हमने गंगा स्नान कर लिया, तो पूरे 140 करोड़ को स्वास्थ्य का संवैधानिक अधिकार दे दिया। पूरे देश के लोग खुश हैं, पूरे किसान खुश है, गरीब खुश है, सबका स्वास्थ्य का जो इलाज है घर घर में, जिस तरह घर घर हर हर जिनका आप नाम लेते हैं उसी तरह हर घर में इलाज हो रहा है। राकेश भाई साहब, हम ये स्वास्थ्य का अधिकार लेके क्यों आए हैं आप मुझे इतना बता दीजिए, जो 5 लाख रुपए का बीमा है क्या प्राइवेट अस्पताल उसको लेता है? पहले आएगा नहीं, फिर आया कुछ अस्पताल अब लेने लगे हैं, प्लीज सुन लीजिए, फिर आया कि कुछ अस्पताल अब लेने लगे हैं। लेकिन जरूर ये नोट कीजिएगा, ये हमारे और आपकी बात नहीं है, ये भाषण की बात नहीं है, ये देश के स्वास्थ्य और नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये हम लोगों के जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब प्राइवेट अस्पताल में आपका वो कार्ड लेके चला भी जाता है व्यक्ति, जब तक वो पूरे के पूरे 5 लाख रुपए नहीं निकल जाते हैं तब तक प्राइवेट अस्पताल वाला आपको बाहर निकलने नहीं देता है। 5 लाख का 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख बनता है। और ऐसी कौन सा हमारा, हमारे देश का एक संस्कार बना हुआ है, जब तक हम जैसे आप जैसे लोग एम्स में फोन नहीं कर दे, सफदरजंग में फोन नहीं कर दे, सदर अस्पताल में फोन नहीं कर दे, आम आदमी का इलाज अभी भी नहीं होता है? होता है क्या?
शायद भाजपा वाले कहेंगे कि भाजपा के एमपी करते होंगे तो होगा, आजकल तो अगर विपक्ष का एमपी है तो डॉक्टर पूछ लेता है कौन से एमपी हैं भाई, अच्छा भाजपा के नहीं है तो आपके पेशेंट का इलाज नहीं होगा। अरे पेशेंट तो देश का है, पेशेंट तो देश का है। अरे प्लीज सुनिए, सच्चाई बता रही हूँ, पेशेंट तो देश का है। There's a point of order. एक मिनट में खत्म हो जाएगा। क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर बताइए। देखिए हिंदुस्तान के चिकित्सकों पर राजनीति करने का आरोप लगाना, हिंदुस्तान के चिकित्सकों पर राजनीति करने का आरोप लगाना पार्टी के अपमान है। जिन चिकित्सकों ने कोविड के दौरान देश में इतना बड़ा काम किया उन पर आपका थैंक यू। प्लीज प्लीज राकेश जी अब अलाउड यू इसको सदन के प्रोसीडिंग से निकाल, वी विल एग्जामिन। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सभापति जी। तो मैं आपके सदर अस्पताल और जिला अस्पताल, अभी शहरों के अस्पताल में नहीं आई हूं, वहां पे जो हालात है, आप आयुष्मान की बात कर रहे हैं, मैंने आपको रियलिटी बताई। आप मोदी साहब से जरूर बात करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री है। 5 लाख प्राइवेट अस्पताल वाले सर्दी जुकाम के लिए जाइए, आपको कहते हैं आपको किडनी की बीमारी है, आपको कैंसर हो सकता है, आपको हेपेटाइटिस बी हो सकता है, इसलिए धीरे धीरे सारे टेस्ट करा के जब तक उसके पैसे खत्म नहीं हो जाए। ये भी शायद आपका षड्यंत्र है, सत्ता का षड्यंत्र है, जिनके साथ आपने इसको टैग किया हुआ है, जिस एजेंसी के साथ, उसके साथ क्या षड्यंत्र है ये परसेंटेज आप जानते होंगे। मैं आपको रियलिटी बता रही हूं। सदर अस्पताल की बात कह रहे हैं आप भाषणों में दीजिए कि किडनी का जो ट्रांसप्लांट, क्या जो डायलिसिस होता है, उसकी सुविधा आपने सरकारी अस्पतालों में दी है। आपने कैंसर की जो कैरोथेरेपी होती है, केमोथेरेपी होती है, उसकी फैसिलिटी दी है। सभापति जी एक ब्लड का टेस्ट करा दीजिए आप, तो मैं दावा करती हूं बिहार जैसे प्रदेश में, बंगाल जैसे प्रदेश में, आपके हरियाणा जैसे प्रदेश में, पंचायत के अंदर का जो सदर उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी, वहां के आपकी एक लैब नहीं है, आपका एक ब्लड टेस्ट की सुविधा नहीं है, आपका वन विभाग नहीं है, आपका अल्ट्रासोनिक का सुविधा नहीं है, एक्सरे की सुविधा नहीं है। माननीय जांगला जी, प्लीज की सुविधा नहीं है। माननीय कांता जी प्लीज सभापति जी प्लीज मैं आपको आगाह कर रही हूँ, विपक्ष का काम होता है, सत्ता पक्ष अगर काम कर रहा है, आपने सुविधा दी है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, सुना नहीं किया, अरे नहीं किया, मान लिया हमने नहीं किया। आप अपने 8 साल का ब्योरा दीजिए, मैं 8 साल का ब्योरा मांग रही हूँ। हमने चेयर को एड्रेस करिए, 30,000 को एड्रेस करिए सदर अस्पताल के लिए। हमने 30,000 को सवा लाख किया था, वो सरकारी अस्पताल के लिए दे था। आप बहुत बड़े अमीर पार्टी के हैं, क्योंकि आपने नोटबंदी की, पैसा अन किया, 5 लाख रुपए दिए, फिर 5 लाख रुपए उन कंपनियों को दे रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। सर मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहती हूँ कि देश के स्वास्थ्य के हालात, कोरोना की बात मनोज झा जी कर रहे थे, दुख होता है आप लोगों को, कुछ मेरी बहनों को हंसी आ रही थी, अगल बगल मुझे लगता है एक दिन में 200 फोन 300 फोन हम लोग अटेंड कर रहे थे कि मैडम 1.5 लाख का भी अगर ऑक्सीजन सिलेंडर मिले तो प्लीज दिलवा दीजिए, क्योंकि हमें किसी की जान बचानी है। रेमडेसिविर 15,000 रुपए के मिल रहे थे, और एक बात और कहूंगी आपको, 40,000-15,000 से स्टार्ट हुआ था। अभी डिजीज की बात कर रहे थे आप, रेयर डिजीज की, जो कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर 1.5 लाख में भी, जिन रेमडेसिविर, पहले मैं ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करती हूँ सभापति थी, जिन
कोरोना पेशेंट को यूज कराए गए। अरे सुनिए जी, बहुत सेंसिटिव मामला है सभापति जी, प्लीज नो क्रॉस टॉक, प्लीज नो क्रॉस टॉक। सभापति जी, जिन व्यक्तियों को जिन कोरोना पेशेंट को यूज कराए गए, आज उन लोगों को, आपको भी पता होगा, ब्लैक फंगस बीमारी आई थी, ब्लैक फंगस। मेरे घर का, मेरी ननद का पति है जो जॉब में है, आपके बिजली विभाग में है, लेकिन अभी तक उसके 15 लाख दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में खर्च हो चुके हैं, जो पटना से आकर यहाँ पे इलाज करा रहा है, और 7 ऑपरेशन हो चुके हैं, और डॉक्टर ने बोला फंगस कैसे हुआ, कोरोना के कारण नहीं हुआ था। जो ऑक्सीजन सिलेंडर में जो पानी था वो लोगों को देने के लिए नहीं था, वो फैक्ट्री के यूज के लिए था, वो मिनरल नहीं था, फिल्टर नहीं था, और आपने आनन फानन में लोगों को उस ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन दी, जिसका परिणाम हुआ कि कईयों की जान गई, और कईयों ने अपनी आंख खोई, कईयों ने अपने ब्रेन में ट्यूमर लिया, कईयों ने नाक में प्रॉब्लम, नो डिस्कशन, नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक, दोनों तरफों को मैं कह रहा हूं, टू बोथ ऑफ देम प्लीज। सभापति जी, मैं कोट कर रही हूं, किसी को आपत्ति है तो डॉक्टर का मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लाके सभापति सभापटल में रखने का कंक्लूड करें, मुद्दा भी रखते हैं हम लोग। ऑनरेबल मेंबर कंक्लूड करें, जी सभापति जी। दूसरी बात, अभी बहुत बहुत चढ़ के भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे राकेश जी बोल रहे थे कि हमने कोरोना में यह किया, हमने कोरोना में यह किया। पूरा देश चाहता था कि जो कोरोना में व्यथित थे, जो कोरोना से पीड़ित थे, देश उनको सुविधा प्रदान करता। यहाँ तो बोलियां लग रही थी, मुझे गर्व है दिल्ली के एम्स में, सफदरजंग में आपके जितने अस्पताल कांग्रेस ने बनाए थे उसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। सभापति जी, मैं कोट कर प्लीज मेंटेन साइलेंस, प्लीज 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 ऑनरेबल मेंबर्स, एक भी एम्स के डॉक्टर ने या एक भी पेशेंट से, जितने उनके पास पेशेंट का बेड था, प्लीज जितना उनके पास बेड था उतने ही उन्होंने पेशेंट लिए, एक conclude भी ज्यादा नहीं लिए। ऑनरेबल मेंबर कंक्लूड करें, प्लीज प्लीज, दो तीन मिनट और लूंगी, बहुत संवेदनशील मुद्दा। सर, जितने भी प्राइवेट अस्पताल थे, जितने भी छोटे अस्पताल थे, जिन्होंने दुकान खोली हुई थी और सरकार फेलियर थी उन पर लगाम लगाने पे, ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकने में, रेमडेसिविर की कालाबाजारी रोकने में, कोरोना की दवाई थी क्या सर? सर, क्या ये सदन और क्या प्रधानमंत्री बताएंगे कि कोरोना की दवाई थी? अगर नहीं थी तो कोरोना का इलाज एक एक आदमी से 20-20 लाख रुपए लेकर किस तरह से डॉक्टर कर रहे थे? सर, मैं डॉक्टर का नाम नहीं बताऊंगी, डॉक्टर ने बोला नाम नहीं बताना। जब उनको कोरोना हुआ तो वहां के अस्पताल ने उनसे 30 लाख रुपए लिए क्योंकि उनकी इंश्योरेंस थी। सर, ये कौन सा खेल चल रहा है? इसलिए हम लोग चाहते हैं कि स्वास्थ्य का अधिकार इस देश में होना चाहिए, क्योंकि हम खासकर अपने गरीब तबके के लोगों को, गांव के लोगों को, बीपीएल को, आईपीएल को, सर्विस क्लास लोगों को जानवर की तरह ट्रीट करते हैं। आप लोहिया में जाइए, कंक्लूड करें, एम्स में जाइए, कंक्लूड करें, यहाँ की सर दो मिनट, नो नो, कंक्लूड करिए, सर, वी विल एग्जामिन, बिहार चले जाइए, कंक्लूड करें, 30 सेकंड, आप बिहार चले जाइए। गंदगी की बात मेरी रजनी बहन और फौजिया जी कर रही थी। सर, हम लोग प्रतिनिधि रहकर आए हैं, मैंने 2 बार लोकसभा को प्रतिनिधित्व किया है। अगर आप सदर अस्पताल में 1 घंटा खड़े हो गए, कंक्लूड करें प्लीज, कंक्लूड, 1 घंटा अगर खड़े हो गए और आप बिना बीमारी लिए हुए आ गए तो मैं अपना नाम बदल दूंगी, और उस जगह थैंक यू, प्लीज कंक्लूड, प्लीज 2 मिनट, प्लीज कंक्लूड, 2 मिनट, प्लीज कंक्लूड, किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रही, अगर आप बैठिए, डिस्टर्ब करें, कंक्लूड करें, प्लीज 2 मिनट,
मैं किसी पर तोहमत नहीं लगा। 30 सेकंड्स के देश के हालात बता रही हूँ, स्वास्थ्य के देश के। प्लीज सर, प्लीज प्लीज साइलेंस प्लीज सर। एग्जांपल देती हूँ, हमारे जैसे गांव के बच्चे, ये पूरा शरीर जल गया, क्यों हंसी आ रही है भाई? प्लीज प्लीज आप चेयर को एड्रेस करिए। बात कर रही हूँ मैं, श्रीमती रंजन जी, श्रीमती रंजन जी प्लीज एड्रेस द चेयर सर, थैंक यू। उसका होठ यहाँ से गले तक आ गया, कान यहाँ से पीठ तक आ गया, इलाज नहीं करा पाया क्योंकि सदर अस्पताल, जिला अस्पताल, कहीं भी कोई फैसिलिटी नहीं थी। उसको गांव में ही रख के इलाज कराया गया। उसकी स्किन उतर कर पूरे पेट तक सटी हुई थी। ये रेयर नहीं है क्या? मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ सर, हमारे देश के स्वास्थ्य के हालात बद से बदतर है, और ये सिर्फ भाषणों से काम नहीं होगा, सिर्फ उद्घाटन करने से काम नहीं होगा। आपकी नियत और नीति दोनों सही होनी चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हैं थैंक यू, आई हैव टू मूव ऑन, आई हैव टू मूव ऑन, आपको मैंने काफी समय दे दिया है, प्लीज 30 सेकंड कंक्लूड करिए, अदरवाइज आई हैव टू मूव ऑन। आप कह रहे हैं हम इलाज कर रहे हैं, एक और पॉइंट मैं रखना चाहूंगा। नहीं नहीं, अभी हमको कंक्लूड करना पड़ेगा, आई एम सॉरी, आई हैव टू मूव ऑन, आई हैव टू मूव ऑन, नो नो नो, आपको काफी समय दे चुका हूं। 189 कंट्री में आप कंक्लूड कर रही हैं, हमारे देश आप कंक्लूड कर रही हैं, मिस कर रही हूं, बस कंक्लूड करिए प्लीज, वन मिनट। नहीं नहीं, और 189 कंट्री में हमारे देश का नंबर डॉक्टर अनिल बॉन्डे जी, डॉक्टर अनिल बॉन्डे जी, आई हैव टू मूव ऑन, आई हैव टू मूव ऑन, आई हैव टू मूव ऑन, आगे, थैंक यू, आई एम मूविंग ऑन, आई एम मूविंग ऑन, आई एम मूविंग ऑन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। समय समय खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है, डॉक्टर अनिल बॉन्डे जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर अनिल बॉन्डे।